जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ यात्रा मार्ग गौरीकुंड डाटपुलिया के समीप भूस्खलन के कारण लापता और मृत व्यक्तियों के सर्च ऑपरेशन के कार्यों का आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने निरीक्षण किया है। उनके साथ में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और केदारनाथ के विधायक शैला रानी रावत, जिला अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणे भी मौजूद रहे। वहीं घटनास्थल का जायजा लेते हुए लापता और मृत व्यक्तियों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए संवेदना व्यक्त की गई। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। फेस्टिवल नहीं हो सकता तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। इसके लिए अलग से हम एक जियोलॉजिस्ट की टीम, एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक टीम हम भेजेंगे, जिसमें GSI, हमारी LNMC और IIRS और IIT सबको भी एक टीम हम भेजेंगे जो देखेगी कौन कौन से एरिया है जहाँ पर कि बोल्डर असुरक्षित रूप से हैंग बैलेंस में पड़े हुए हैं। जैसे ही ये चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी, आप घड़ी भर जानते हैं कि जो हमारे मानक हैं उसके हिसाब से तो इनको सहायता दी ही जाती है। और मुख्यमंत्री जी का इस घटना को लेकर काफ़ी संवेदनशीलता है और उन्होंने स्पष्ट कहा है इसमें जो उदारता बरती जाएगी अधिकतम वो देने का प्रयास किया जाएगा। जिन्होंने कि बहुत मजबूती से अपना होटल नहीं बनाया है, ढाबे खड़े किए हैं और कुछ ना कुछ यहाँ इस क्षेत्र में होता है, इसलिए हमें जैसे जापान के लोग सतर्क रहते हैं अपने लिए कितना अच्छा भूकंप भी जो है घर बनाते हैं, हमें भी उसी तरह से यहाँ पे दुकानें हैं और प्रशासन को भी सरकार को भी एक बहुत